Hi, Naveen. Thank you so much. And it's so good to be back on E24 and after meeting you, after so long we are meeting. Yeah. How are you? I am perfectly fine. Just weight gain ho raha hai aajkal quarantine mein aur kuch nahi ho raha. अच्छा टॉकिंग अबाउट किस तरह का माहौल है आपके घर घर के तरफ लॉकडाउन है लोग आ रहे हैं जा रहे हैं कि नहीं कुछ खबरें आपको मिली पता चला कि उधर नीचे कुछ घूम रहे हैं या कुछ ऐसा कैसा माहौल है आपके सोसाइटी के बाहर हमारी बिल्डिंग में एक कोविड केस था तो हमारी बिल्डिंग क्वारंटीन थी तो वी ऑल्सो क्वारंटीन फॉर लाइक 14 डेज तो आप बिल्डिंग 14 डेज बाद ओपन हुई है एंड वेंडर्स आने लगे हैं अंदर एंड अब तो काफी सारे लेटर्स हमें मिल रहे हैं कि वी कैन गो आउट अदरवाइज लेट वाज नॉट इवन अलाउड टू स्टेप आउट सो यू वोंट बिलीव आई हैव नॉट गॉन आउट सिंस आई डोंट नो व्हेन आई कांट रिमेम्बर बट हाँ मतलब अब सारे लोग मुझे दिख रहे हैं नीचे अगर मैं बालकनी से देखती हूँ कि पीपल आर एक्चुअली लोग घूम रहे हैं अभी थोड़ी छूट ले रहे हैं लॉकडाउन 4 में अच्छा क्या कुछ नया कर रहे हो आप घर पे कुछ नया सीखा आपने अपार्ट फ्रॉम लाइक घर की साफ सफाई कुछ नया आपने जो वाव मैं ये कर सकती हूँ वैसा कुछ आपको फील आया जब शूट करती थी ना तो बहुत मेरा मन करता था कि मैं कुकिंग मतलब थोड़ी थोड़ी आती थी बट ऐसा नहीं था कि मॉम ने छोड़ दी मेरे ऊपर किचन कि हाँ बेटा ये बनाओ आप मैं नहीं आऊंगी मतलब she used to be there always to guide but पहली बार ऐसा हुआ क्योंकि किसी के घर मेड्स नहीं है अब nobody has allowed maids to come so mom और मैंने ऐसा एक एक रूटीन ना डिवाइड कर लिया that okay dinner I will cook and lunch आप cook करो breakfast I will तो मम्मा इंटरफेयर ही नहीं करती तो मैंने बहुत सारा कुकिंग किया है सच बताऊं आई थिंक हर किसी को क्या होगा ये लॉकडाउन में हर कोई मास्टर शेफ बन चुका है ये बात तो एकदम सही है बट आई एम स्टिल टेरिबल एट बेकिंग मैंने 4 बार बेक किया और मैंने सब जला दिया टॉकिंग अबाउट यू आर वन ऑफ द फ्यू एक्टर्स जो एक्चुअली वर्क फ्रॉम होम है किस तरह आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो वीडियो रिकॉर्ड पे बातचीत कर रहे हो अपने co-stars से क्या है थोड़े बहुत अगर आप हमें बताना चाहे तो नवीन फर्स्ट ऑफ ऑल जब से हम लोग क्वारंटीन में गए हैं हम लोग लॉकडाउन में गए हैं तब से मुझे लग नहीं रहा दैट वी आर नॉट वर्किंग बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंट मतलब कलर्ड सबसे पहले तो मतलब बहुत हैट्स ऑफ टू देम दैट दे आर कीपिंग अस कनेक्टेड टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ शक्ति लाइक द शो एंड द ऑडियंस दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू यू नो उनको कनेक्ट रखना लाइक वीडियोज हम बनाते हैं सो या वर्क फ्रॉम होम इज एक्चुअली हैपनिंग एंड ऑल द मतलब वी ऑल आर ट्राइंग टू कीप इन टच विद एवरीवन बाय इंटरव्यूज और बाय सम यू नो लाइव सेशंस और समथिंग बट इट्स फन किसी ने ऐसा कभी कुछ किया ही नहीं कि घर से आप शूट करके कोई चीज भेज रहे हो एंड इट्स गेटिंग एडिटेड और वीडियो कॉल के लाइक थ्रू जाती है लाइक इट कम्स एज ना वीडियो कॉल विद ईच अदर हां सो इट्स अ वेरी न्यू थिंग फॉर ऑल ऑफ अस एंड बड़ा मजा आता है एंड या वी ऑल आर मेकिंग वीडियोस दीस डेज बट एक्चुअली बहुत मिस कर रहे हैं यार शो को अच्छा हीर को देखा हमने हीर का बर्थडे भी सेलिब्रेट हुआ है वर्चुअल बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ था दैट क्यूटेस्ट वीडियो अमंग ऑल लाइक वो मुझे वीडियो सबसे अच्छा लगा इट वाज सो गुड एंड बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में वो शूट किया था हम सब ने बिकॉज बहुत इमीडिएट आया था कि वो कल ही देना है बना के बिल्कुल बहुत मजा आया बहुत क्यूट वीडियो था वो And the concept of cutify, everybody's passing on, you know. Matlab, it was a teamwork. So, hume pata hi nahi tha ki kaun kya karne wala. But it came out nice and it was cute. Actually, bahut cute tha. Maine bhi dekha, mujhe bhi bahut acha laga tha. The way your co-star is wishing you.
अच्छा जिज्ञासा, एक चीज जो कि आपको शायद पहले भी पूछा गया हो कि शक्ति आप कर रहे हो, आपके ऊपर कुछ ऐसा, आपको ऐसा फील हुआ कि दिस इज अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज रुबीना ने बहुत अच्छा पोर्ट्रे किया है इसमें, किन्नर का रोल किया था, उसके बाद आप इसमें आए हैं एज अ लीड, आप न्यू लीड आए हैं, तो आपको कहीं ना कहीं वैसा कुछ फील हो रहा है कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, अब मुझे आगे लेके जाना है इस शो को, तो कैसा मन में चल रहा था जब आपने शो साइन किया, क्या था, क्या सोच रहे हो आप इस शो से रिलेटेड अगर बताना चाहे तो? जब एक्चुअली ये मेरे पास ऑफर आया था इस शो का, बहुत ऑनेस्टली मैं काफी नर्वस हो गई थी एंड बहुत ज्यादा कन्विंस नहीं हो पाई थी, बिकॉज एक शो में बीच में एंटर करना, बिल्कुल उसमें एडवांटेजेस भी हैं और रिस्क भी हैं, दोनों इन्वॉल्व होते हैं. मतलब बिल्कुल यू डोंट नो कि लोग किस तरह, जो एक कैरेक्टर जाता है उसकी एग्जिट को किस तरह रिस्पॉन्स देंगे, और एक न्यू कमर, मतलब कोई आता है शो में एंटर करता है, उसको कैसे बिल्कुल रिस्पॉन्स देंगे. तो रिस्क काफी बिल्कुल इन्वॉल्व थे, बट दिस जब से ये शो आया है, जब ये शो आया था तब मैं थक्की कर रही थी, एंड इस शो को प्रमोट बिल्कुल करने के लिए भी मैं आई थी अपने शो से. आई हाँ रिमेम्बर आई हाँ टीना, हाँ 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 एंड इस शो का कॉन्सेप्ट, एक तो ऐसा कॉन्सेप्ट तो मैंने अब तक सुना ही नहीं है कहीं, मतलब कोई इंटरनेशनल शोज में भी नहीं सुना ये कॉन्सेप्ट. हाँ ये सबसे यूनिक था, तो हमेशा से मुझे बहुत अच्छा लगता था शो करना. एंड एक तो बहुत टफ शो, मतलब द कैरेक्टर इज इटसेल्फ वेरी टफ एंड चैलेंजिंग, बिल्कुल बिल्कुल एंड बेसिकली मतलब फॉर मी एज एन इंडिविजुअल, मुझे बहुत अट्रैक्ट किया इस चीज ने कि एक यूनिक कैरेक्टर है, यू शुड गो फॉर इट. देन ऑफ कोर्स मैंने बिल्कुल अपनी फैमिली से भी डिस्कस किया अबाउट ऑल द प्रोज एंड कॉन्स बिफोर डूइंग इट, एंड देन बिल्कुल मैंने जब साइन किया, बहुत एक ऐसा लग रहा था मैं एक नए शो में एंटर कर रही हूँ, बिकॉज सब कुछ चेंज हो चुका था, 16 साल का लीप आ चुका था. बट यस, मैं इतना कहूंगी कि मे बी जितना रुबीना को चैलेंज फेस किया होगा उन्होंने जब ये शो नया था, उतना चैलेंज मुझे फेस नहीं करना पड़ा, क्योंकि ऑलरेडी आई ओके नो एक मेन स्ट्रीम एक्ट्रेस को लोगों ने एक्सेप्ट किया है उस कैरेक्टर में. एंड आई बिल्कुल एम टू यू नो फॉर आई एम गोइंग टू ये मैं अपनी एक लेगेसी फॉरवर्ड करने जा रही हूँ. बिल्कुल सो मुझे वहां कहीं ना कहीं वो चीज थोड़ी लगी कि नहीं, एक्सेप्टेंस है, मतलब मिली है इस कैरेक्टर को. हाँ बट वही हीर बड़ी हो रही थी और वो बिल्कुल ही अलग है, शी इज नॉट हाँ लाइक सॉन्ग. तो हाँ एक नया कैरेक्टर ही था जो बिल्ड हुआ है. सो मुझे बड़ा मजा आया. एंड बात ये होती है कि अगर शो सक्सेसफुल होता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी उतनी ज्यादा होती हैं, बिल्कुल सही बट कलीग सारे बहुत बहुत सपोर्टिव हैं, द एंटायर कास्ट इज वेरी सपोर्टिव एंड मतलब बिकॉज ऑफ देम आई थिंक दिस कैरेक्टर डिड जस्टिस मे बी. वाओ, दैट वाज माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि कैसी बॉन्डिंग है आपकी आपके को-स्टार्स के साथ, और आपके आप क्या लंच आवर्स में आप लोग क्या बातचीत होती है, कैसे टाइम स्पेंड? एक्चुअली आई थिंक सारे ऑडियंस को पता चल गया होगा, वी कीप ऑन पोस्टिंग पिक्चर्स विद ईच अदर एंड टच बिल्कुल वुड, हमने भी देखे हैं। लगता ही नहीं है मुझे कि अभी शोज हम लोग अभी मिले हैं, ऐसा लग ही नहीं रहा है. लाइक इट्स बिन मे बी नॉट मोर देन 2 or 2.5 months हम दो सब एक दूसरे को जानते हैं, एंड इट्स बिल्कुल जस्ट लाइक माई अनदर फैमिली. बहुत कम टाइम में बट मैंने ये चीज नोट की कि हम सब इतना क्लोज आ गए, एंड वी ऑल आर इमोशनली अटैच टू ईच अदर नाउ, एंड हाँ एवरीबॉडी इज सो हेल्पफुल, मतलब प्रोफेशनली दे आर वेरी हेल्पफुल ऑन द सेट, एंड इवन काम्या मैम, सुदेश सर बहुत हेल्पफुल है. वाह, या सो बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी है हम लोग. दैट्स लवली, वाह। एक एक सवाल जो हम आपसे जानना चाहते हैं कि हाउ डू यू सी एलजीबीटी कम्युनिटी, क्योंकि अब मूवीज भी उस पे आने लग गए हैं सपोर्ट में, सीरियल्स भी आ रहे हैं, पहले के टाइम पे मूवीज और सीरियल्स में बहुत मजाक बनाया जाता था, बनाया जाता। हाउ डू यू सी दिस एलजीबीटी कम्युनिटी? फॉर मी इट्स लाइक यस ऑफ कोर्स आई नो दैट इस कम्युनिटी को अब जाके थोड़ी थोड़ी सोशल एक्सेप्टेंस मिलनी शुरू हो गई है. बिल्कुल बिल्कुल मैं कहूंगी इस शो से इंडिया में बहुत हेल्प मिली है,
बिकॉज क्या होता है ना, एक्टिंग फील्ड बहुत ही इन्फ्लुएंशियल फील्ड है, लोग इन्फ्लुएंस होते हैं इस चीज. एंड वही हमारा शो एंटरटेनमेंट के जरिए एक सोशल मैसेज भी देता है. तो मैं कम्युनिटी को देखती हूँ, लाइक इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली शक्ति, इट्स अ शो ऑफ ट्रांसजेंडर ऑफ कोर्स, एंड आई बिलीव इट्स अ शो ऑफ, मतलब इट डिस्क्राइब्स इट, मतलब शक्ति को मैं सोचती हूँ कि इट्स अ पावर ऑफ आवर ओन एग्जिस्टेंस, एंड आई डोंट सी देयर कम्युनिटी एज डिफरेंट एज आवर्स. इट्स लाइक गॉड हैज मेड ऑल ऑफ अस, यू नो, सेम, इक्वल. I don't know क्यों लोग इतना differentiate करते हैं. We should rather respect them. वो लोग कितने selfless होते हैं. उनको कुछ नहीं चाहिए हमसे. Still, you know, they just give their blessings. And कोई harm नहीं है इस community से. I don't know लोगों ने इतना क्यों, अगर आज भी लोग बोलते हैं कि उनको मत करो या उनको मत देखो या you know उनसे मतलब उनको नहीं like करते हैं, dislike करते हैं कहीं ना कहीं. So I'm just trying and I know कि ये चीज difference लाया है अब, stereotypes टूटे हैं काफी, but I hope जो नहीं टूटे हैं, जो लोग आज भी इस community को गलत नजर से देखते हैं या नहीं मानते हैं था कि नहीं उनको हटाओ या उनको भगाओ, so I feel कि they should accept this community. It's हमारे जैसी community की तरह ही है ये. We all are equal and सभी individual हैं. बिल्कुल सही. जिज्ञासा, थपकी आपके दिल के कितने करीब है? आप चाहोगे कि अब ये फिर से, क्योंकि कलर्स पे बहुत सारे शोज री टेलीकास्ट हो रहे हैं, तो ये भी शो एक बार से फिर से टेलीकास्ट हो एंड लोग फिर से आपको देखें. इट इज एक्चुअली आई सी थपकी एवरी डे. या इट्स कमिंग ऑन रिश्ते नाउ. एंड मेरी पूरी फैमिली बैठ के देखती है. एंड यू नो इतना पुराना हो गया वो, काफी साल हो गए. एंड इट्स अ ट्रीट योर ओन शो. लाइक इट वॉज माई फर्स्ट टाइम इफ आई टेल यू, मतलब यू नो मी सिंस थपकी. एंड जितना मैं उस शो से अटैच हूँ, शायद अब तक बहुत टाइम लगेगा किसी और शो से उतना अटैच होने में. मतलब इट्स जस्ट लाइक माई फर्स्ट बेबी. बिल्कुल. एक और सवाल है जो कि हम, मैं नॉर्मली हर रोज बहुत सारे एक्टर्स से पूछ रहा हूँ, उसमें मुझे आपका भी टेक चाहिए था कि इस टाइम पे देखा जा रहा है कि बहुत सारे प्रोडक्शन टीम, बहुत सारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट लोगों के पैसे क्लियर नहीं कर रहे हैं ड्यू टू लॉकडाउन. बहुत लोगों, इनफैक्ट अभी हाल ही में एक एक्टर ने सुसाइड भी कर लिया. एक अभी एक्ट्रेस ने पोस्ट डाला था कि उसके पास पैसे नहीं है, तो उसके ड्राइवर ने उसे अपने पैसे देने को ये इंसिस्ट किया कि मेरे पास इतने सेविंग्स है, आप ले लो. तो उसमें आपका क्या टेक है? शुड दे रिलीज द मनी? उनको उनके पैसे देने चाहिए? बिकॉज तीन महीने का लॉकडाउन इज, वैसे भी तीन महीने बाद ही पैसे मिलते हैं, तो तीन महीने का लॉकडाउन इज एक्चुअली बहुत लंबा ड्यूरेशन है. तो उसमें आपकी क्या राय है? नवीन, फॉर मी तो मैं हमेशा सोचती हूँ ये 90 डेज का जो पेमेंट साइकिल ही बहुत गलत है. और अगर ये है, आई फील अगर ये एक यू नो प्रोटोकॉल है जिसे हम सब फॉलो करते हैं, आर इंडस्ट्री फॉलो, यू नो, वेदर इट्स द प्रोडक्शन हाउस और द चैनल और इवन एन एक्टर, वी ऑल फॉलो इट रिलीजियसली. बट मुझे अगर एक एक्टर या कोई भी टेक्नीशियन या कोई भी एम्प्लॉय, यू नो, आपके उस ट्रस्ट काम करते हैं उतना, एंड वी गिव आर heart, soul and sweat and blood, everything to the show. Bilkul. And you know, we all are here in Mumbai or we all are working for our survival. And passion ek alag cheez hai, but survival ek bahut hi basic cheez hai. Bilkul. And agar uski, you know, us wo trust ki wajah se agar aapne wo services de di on credit aur us cheez ka agar aapko payback nahi mil raha, then I think there is no motivation to work forward. Bilkul sahi. So, मतलब जो भी चीज है मैं बिल्कुल जानती हूँ उस चीज को. आई ऑल्सो रेड फ्यू आर्टिकल्स, आई नो फ्यू पीपल जो मेरे म्यूचुअल्स हैं जिनके साथ ये सब हो रहा है. एंड इवन मैंने भी अपनी पास्ट में ये चीज फेस की है जिसमें मुझे बहुत चेज करना पड़ा था फॉर माई ओन मनी. आई थिंक ये सबसे बैड फीलिंग होती है कि आपको अपने ही पैसों के लिए यू नो बार बार फोन करना पड़ रहा है या बार बार मांगना पड़ रहा है. So I feel कि मतलब ये चीज बहुत गलत है और इस चीज पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए. बिल्कुल सही.
नॉर्मली जिज्ञासा हम देखते हैं सेट पे एक्ट्रेसेस को, लड़कियों को तैयार होने में 1 घंटे टाइम लग ही जाता है, लेकिन हीर के रूप में आपको कन्वर्ट होने में घर पे आपको कितना वक्त लगता है, हीर घर पे बनने में आपको घर पे कितना वक्त लगता है आपको रेडी होने में? मैं हील बनती हूँ एंड मैं कोई वीडियो शूट करती हूँ, तो मेरे पास इतनी लिबर्टी होती है कि यू नो, क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा इंडियन वेयर नहीं है घर पे, एंड ओके व्हेन आई हैव टू गेट रेडी इन एन इंडियन अटायर बिकॉज हील्स लुक इज लाइक दैट, देन बिल्कुल मैं थोड़ी थोड़ी कभी कभी चोरी कर लेती हूँ दैट यू नो आई एम वेयरिंग अ टी शर्ट एंड आई जस्ट पुट अ दुपट्टा एंड इट्स लाइक हेयरडू करने की इतना जरूरत नहीं पड़ती है बिकॉज यू नो एवरीबॉडी दैट यू आर अंडर द लॉकडाउन सो यू कैन टेक छोटी छोटी लिबरेस, बट यस मेकअप वगैरह यू हैव टू डू इट एंड एवरीथिंग, तो बिल्कुल इतना टाइम नहीं लगता जितना सेट पे लगता है, बट हाँ थोड़ा लाइक मे बी 30 मिनट्स और 20 मिनट्स। वाह, मतलब इस बार सेट पे आने पे हम 30 मिनट्स ही देंगे आपको रेडी होने के लिए, कि आपके पास 30 मिनट्स है, रेडी हो जाओ, 1 घंटे नहीं मिलने वाले हैं टी शर्ट और दुपट्टा डाल के आ जाऊंगी हमें ही डांट पड़ेगी कि मीडिया वालों की वजह से लेट हो गए माय गॉड अच्छा जिज्ञासा, जाते जाते लॉकडाउन है, सभी लोग, हम लोग सब घर पे हाउस अरेस्ट हैं, घर से नहीं निकलने के लिए बोला गया है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला है, फिर भी बहुत सारे लोग ट्रैवल कर रहे हैं, निकल रहे हैं, घूम रहे हैं, छोटी छोटी बहाने दे रहे हैं इधर उधर जाने के लिए, तो जिज्ञासा आप क्या कहना चाहोगे अपने फैंस एंड व्यूअर्स को इस लॉकडाउन में, बिकॉज अब ये लॉकडाउन 4 है और एक्सटेंड हुआ है, तो फिर क्या कहना चाहोगे आप? फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी लोग मुझे इस टाइम देख रहे हैं, मैं सबसे बोलना चाहूंगी लॉकडाउन 4.0 को लोग सीरियसली नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल अगर देखती हूँ अपनी बालकनी से तो एक्चुअली पीपल आर वॉकिंग, आराम से ट्रैवल कर रहे हैं, इट्स इन द न्यू, क्योंकि काफी टाइम से आई ऑल्सो अंडरस्टैंड सब लोग लॉकडाउन में है, परेशान हो गए हैं, फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, कहीं ना कहीं बाहर जाना चाहते हैं, हमें आदत है बाहर घूमने की बिल्कुल 2 दिन में। बिल्कुल मतलब मुझे लगता है इस टाइम यू नो जो ये कोरोना वायरस है इस चीज को एक्चुअली बहुत इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, इट्स वेरी डेंजरस एंड इट्स स्प्रेडिंग लाइक एनीथिंग, स्पेशली इन मुंबई, यू नो मुंबई इज बीइंग कंपेयर टू न्यूयॉर्क, कल ही मैं देख रही थी बिल्कुल न्यूज में व्हिच इज वेरी सैड, सो आई वांट टू अर्ज एवरीवन कि प्लीज इस चीज को प्लीज जितनी भी अथॉरिटीज है उसको आप प्लीज फॉलो करिए एंड जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं उन्हें फॉलो कीजिए बिकॉज इट्स फॉर आर ओन सेफ्टी एंड गुड एंड बिल्कुल हेल्प द एडमिनिस्ट्रेशन टू हेल्प अस। सो मैं बिल्कुल यही बोलना चाहूंगी अभी के लिए, जब तक नहीं आ जाती गाइडलाइंस प्लीज अपने अपने घर में रहिए एंड लॉकडाउन खुलता भी है सो बिकॉज वी हैव टू लिव विद दिस नाउ, आई डोंट बिल्कुल थिंक ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा एकदम खत्म से होने वाला। हाँ या बिकॉज बहुत ज्यादा नंबर्स में है इसके पेशेंट्स we all are in danger and we have to keep ourselves safe and we should take each and every precaution possible. बिल्कुल सही, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच जिज्ञासा हमारे साथ बने रहने के लिए, एंड उम्मीद है कि ये लॉकडाउन खुले और हम जल्द ही नायगांव आए आपके सेट पे आपसे मिलने के लिए प्लीज 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 डू कम एंड आई होप मैं भी आपसे जल्दी से मिलूं एंड बहुत बिल्कुल सारे इंटरव्यू करूं सबके लिए। बिल्कुल सही, चलिए थैंक यू सो मच, बाय जिज्ञासा। थैंक यू नवीन, बाय।